आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झंडू बाम के बारे में। तो देखिए, ये झंडू बाम जो है, आपने बचपन में कभी ना कभी अभी तक भी इसके बारे में नाम तो आप सुनते ही आए होंगे, आपने इसको लगाया भी होगा। इसके फेमस एक गाना भी बना था, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो हाँ, उसी झंडू बाम के बारे में ही मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि झंडू बाम क्या है, इसके प्रमुख इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कौन सी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, इसकी कीमत कितनी है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो झंडू बाम देखिए, यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी फॉर्मूलेशन है। आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी फॉर्मूलेशन क्या होता है, जिस मेडिसिन के बारे में हमारे क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथों में, संहिताज में उल्लेख नहीं मिलता है, पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर एक नया फार्मूलेशन बनाती है, उसके पास इसका मालिकाना हक होता है, इसलिए इसको आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन या फिर फार्मूलेशन बोल सकते हैं। तो देखिए, झंडू बाम जो है जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, यदि आपको सर में दर्द है, बदन में दर्द है या फिर आपको सर्दी है, जुखाम है, ऐसी कंडीशन में जनरली इसको यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर देखिए रहता है मेंथा एक्स्ट्रैक्ट, मतलब पुदीने का एक्स्ट्रैक्ट रहता है इसके अंदर, गंधपुरा ऑयल रहता है इसके अंदर, नीलगिरी का ऑयल रहता है, दालचीनी रहता है, लौंग रहता है, कपूर रहता है, सो इन सब इंग्रेडिएंट्स को यूज कर इसको बनाया जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशन में इसको हमको यूज करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपको सर में दर्द है, आपको कोल्ड की समस्या है, कमर में दर्द है, मसल में स्टिफनेस हो गई है, या फिर कहीं हाथ पांव में कहीं थोड़ा हल्का सूजन आ गया है, तो सूजन को भी कम करने का काम करता है, आपका मूंग एकदम बंद हो गया है, या फिर आपको किसी भी तरीके के नर्वाइन पेन हो रहा है, या फिर आपको वायरल कॉमन कोल्ड हो गया है, तो ऐसी सब कंडीशन में जनरली इसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखिए, इसको आपको बॉटल को ओपन कर लेना है, थोड़ा सा आपकी उंगलियों में इसको लेकर, जहाँ पे अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर पे, हाथ पांव दर्द हो रहा है तो हाथ पांव में, छाती में अगर जलन हो रही है छाती में, थोड़ा सा लेकर सर्कुलर मोशंस में इसको घुमाना है। इसको देखिए बाहरी त्वचा पे ही लगाना है, इसको आँखों पे नहीं लगाना है, मुँह के अंदर नहीं लगाना है, आपके स्किन जहाँ भी जला हो, कटा हो, अगर ओपन वुंड्स हैं तो वहां पे इसको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 100 रुपए में 25 ml का पैक मिल जाएगा। इसको देखिए 5 बरस से जो बच्चे बड़े होते हैं उन्हीं को यूज करना चाहिए, 5 के जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको इसको नहीं देना चाहिए, 5 के ऊपर ही आप, एज के बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको ओवर द काउंटर किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर, आयुर्वेदिक फार्मेसी में या फिर किसी भी जनरल मेडिकल स्टोर में या फिर किराने की दुकान में आसानी से मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है लाइक का बटन दबाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।